वक्त है? देखिए, आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सभी पहले से ही खुश थे। सिर्फ एक दिनांक, एक डेट का इंतज़ार हो रहा था, 10 मार्च। नतीजे आपके सामने हैं। सभी के हिमाचल आम आदमी पार्टी टीम की तरफ से हम बधाई देते हैं और साथ में इस जीत का श्रेय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। आम आदमी पार्टीज विक्ट्री इन पंजाब हेराल्ड्स द टेक्टोनिक शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो आम जनता है, ये दोनों पार्टियों से परेशान थी बुरी तरह। कोई करप्शन, नशा, इस कारण परेशानी, तो ये तीसरे विकल्प की तलाश में थी। तो वही कारण रहा कि इनको ये आम आदमी पार्टी पसंद आई, तो उन्होंने वो चुन लिया। मैसेज हैज बीन रिवर्बरेटिंग सिंस लॉन्ग इन द स्टेट दैट पीपल हैव हैड इनफ ऑफ द ट्रेडिशनल पार्टीज सिंस लास्ट 70 इयर्स, नेमली कांग्रेस, Shiromani Akali Dal in alliance with BJP over more than 20 years, and they did not come up to the expectation of the people. So that's why a vacuum was created, and Aam Aadmi Party capitalized on it, and Arvind Kejriwal, I think, grabbed it with both hands. Bhai, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो आम जनता है, ये दोनों पार्टियों से परेशान थी बुरी तरह। कोई करप्शन, नशा, इस कारण परेशानी, तो ये तीसरे विकल्प की तलाश में थी। तो वही कारण रहा कि इनको ये आम आदमी पार्टी पसंद आई, तो उन्होंने वो चुन लिया। He followed the success model of Delhi politics of basically a four pillars, which is education, which is mostly privatized in Punjab, health, which is in a very pathetic shape in Punjab, then basic needs like power, water. So Arvind Kejriwal capitalized on all these things and definitely got the mandate. In Himachal, I guess this is definitely ringing a warning bell with the existing parties. You have to deliver, you have to come up with the expectations of the people if you want to govern. समस्त टीम को जाता है, समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है। देखिए, जनता के बीच हम जनता के मुद्दे ही लेके जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरह से बारी बारी से आम जनता को ठगाया है, और साथ में चुनावी वर्ष में ये जो घोषणाएं करते हैं, ये घोषणाएं मात्र एक छलावा होता है जो जनता के साथ किया जाता है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, और इसी कड़ी में शिमला एमसी में हम उतरने जा रहे हैं। फिलहाल हमारी टीमें लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को हम सुन रहे हैं, और जल्दी एक हम जनता के लिए मैनिफेस्टो तैयार करने वाले हैं। एमसी के लिए पिछले एक महीने से हिमाचल की आम आदमी पार्टी की टीम जो है सक्रिय है। देखिए, चुनावी मुद्दे, मैं जहां तक कहूं, चुनावी मुद्दे चुनावों की तरह है। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस जो हमेशा से कहती आई है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को चाहिए होती हैं, जो हम आम आदमी पार्टी जनता के लिए जो ये फ्री फ्री की जो बातें हैं जो कांग्रेस और बीजेपी को सुनने में खराब लगती हैं, ये एक सोशल सिक्योरिटी है जो सरकार का एक दायित्व बनता है जनता को देने के लिए। इसी लिए हम जनता को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर, पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर देने वाले हैं। और रही बात पंजाब के चुनावों की, हिमाचल पे क्या असर पड़ेगा, निश्चित तौर पे पड़ेगा। और बहुत से साथी जो बीजेपी कांग्रेस में कुंठित हैं, अपने आप को सही नहीं मानते हैं, वो बहुत जल्द हमसे जुड़ने वाले हैं। उनमें जो सही साथी हैं, उनका पार्टी स्वागत करेगी।